सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। साथियों, हम लोग इस समय गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र में ग्राम सभा रुदौली में आए हुए हैं। पीछे देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड जहां लगा होता है, आप लोग जानते हैं वहां दलित बस्तियों के लोग ज़्यादातर इस तरह का बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर को, नीले रंग को, जातिवाद के खिलाफ जो देश में प्रतिरोध चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसका प्रतीक मानते हैं और उससे ताकत लेते हैं। अब ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है। यहाँ पर परसों एक हत्या हुई है, और हत्या किस बात के लिए हुई है? यहाँ बगल में नदी है, यहाँ अवैध बालू खनन का काम होता है, पुलिस प्रशासन की सरकार के देखरेख में होता है, और बालू खनन करने वाले जो लोग हैं वो ट्राली ट्रैक्टर लेकर के इसी रास्ते से जाते हैं। आपको दूसरे तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है सामने, वहाँ पर एक बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा था, जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम में गांव के लड़के जुटे हुए थे। ट्राली ट्रैक्टर जब जाता है तो उस पर अश्लील गाना भी बजता है। ज़्यादातर ट्राली ट्रैक्टर चालक जो होते हैं नशे में होते हैं और अश्लील गाना बजाते हुए जाते हैं। गांव के लोगों ने रोका कि भाई यहां पर भीड़ लगी है, बच्चे हैं, तो तुम थोड़ा धीरे से गाड़ी लेकर के जाओ। ये बात उन लोगों को बहुत नागवार लगी। उनको क्या बुरा लगा कि चमार होकर के कैसे मेरा रास्ता रोक रहा है, या चमार होकर के हमको कैसे बोल रहा है। और केवल इसी बात के लिए रात में मीटिंग हुई, और मीटिंग करने के बाद सुबह गोलबंद होकर के लगभग 50 की संख्या में वो यहाँ पर पहुँचे, और जो सामने मिला गांव में उसको मारना शुरू कर दिया। इसी में एक व्यक्ति जिनका नाम राजकिशोर है, उम्र 42 वर्ष है, वो अपना यहाँ पर खड़े थे और उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये स्थिति है जातिवाद की, ये स्थिति है दलितों की, और योगी आदित्यनाथ जो कि इसी शहर से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो कहते हैं कि हमने बुलडोजर चलवा दिया, हमने अपराधियों को ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो पता नहीं कौन से अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं कि यहाँ पर एक से एक मर्डरर, एक से एक हत्यारे यहाँ पर जुटे हैं और सीधे गोली मार करके वो जो है हत्या कर दे रहे हैं, बिना किसी बात के, केवल अपना जातीय दंभ और जातीय आतंक स्थापित करने के लिए किसी को भी गोली मार दी जा रही है। हमने गाँव के लोगों से बात किया कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पुराना झगड़ा था? नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं था, कोई जमीन खेत मेड़ का कोई विवाद नहीं था, केवल बात इतना ही था कि अश्लील गाना बजा करके जाती हुई जो गाड़ियां थी उसको रोका गया था, ट्राली ट्रैक्टर को रोका गया था, और रोकने के बाद ये कहा गया था कि आप आराम से गाड़ी चलाइए, गाना अश्लील गाना मत बजाइए, यहाँ लोग खड़े हैं। इसी बात को लेकर के यहाँ पर इस तरह का हत्याकांड हुआ। तो इससे आप इस देश में, इस कह लीजिए कि इस प्रदेश में दलितों की स्थिति समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार दलितों की हत्या करने के लिए पूरी खुली छूट दे रखा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास हर रोज़ इस तरह के मामले आते हैं। पुलिस क्या खेल करती है, पहले नंबर तो FIR नहीं लिखेगी। FIR अगर आपका लिख गया तो उसमें धाराएं ऐसी लगाएगी कि जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वो बरी हो जाएं, और धाराएं भी लगा लेगी तो विवेचना होगी, और विवेचना में, ज़्यादातर विवेचना में पुलिस जो मुख्य आरोपी होता है उसका नाम निकाल देती है। आज यहाँ हत्या हुई है, लोगों का नाम नामजद कराया गया है, लेकिन देखिएगा इसी में से बहुत सारे जो लोग हैं हत्यारे हैं उनका नाम पुलिस विवेचना में निकाल देगी। तो इस तरह से दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उन मुकदमों को पुलिस कमजोर कर रही है और खुली छूट दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलितों का जमीन कब्जा किया जाए, उनको उनका उत्पीड़न किया, उनके साथ मारपीट किया जाए, और ऐसा माहौल बनाया गया है। उनको मालूम है कि हम हत्या कर रहे हैं, आज हत्या कर रहे हैं कल छूट जाएंगे, आज हत्या कर रहे हैं कल हमारा जमानत मिल जाएगा, और उसी मनोबल का नतीजा है कि यहाँ पर पूरे गांव पर हमला करते हैं और जो सामने आता है उसको मारते हैं और जो विरोध करता है उसको गोली मार देते हैं। अगर अभी देखिए राजनीति जो हमारे यहाँ चल रही है, अखिलेश यादव हैं, उनको दलितों की बड़ी चिंता दिखाई दे रही थी अभी पिछले चुनाव में और इस चुनाव में भी, वो तमाम दलितों के हितैषी बन रहे हैं, और जहाँ कहीं भी दलित की हत्या होती थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को टारगेट करके ट्वीट करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के जाति के लोगों ने हत्या की है, इस नाते ट्वीट नहीं चल रहा है। और हमारे भी लोग हैं जो अपने लोगों को छोड़ करके और थोड़ा सा इनके द्वारा थोड़ा बहुत पीठ थपथपाने पर या सहला देने पर जो है इनके तरफ मुड़ने की गलती करते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह की गलती ना करें। देखिए, सामंत थे, सामंत सुधर गए हैं, लेकिन जो सामंतों के लठवत हैं उनका मन बढ़ गया है, तो उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये राजकिशोर जी के पिताजी हैं जिनकी हत्या हो गई। क्या मामला था जजा? मामला साहब कुछ नहीं था, कोई दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी कोई भी। वो लोग आए गांव पर, हमला कर दिया हमारा लड़का, वो मना किया भाई क्यों ऐसा कर रहा है, उसके बाद गोली चला दिया और लग गया।
आपके लड़के से कोई विवाद था? कुछ नहीं, कोई हमारे लड़के से कोई विवाद नहीं था, कोई पुरानी और चाहे नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई विवाद था। तो वो लोग गांव पे आए, पूरे गांव पे हमला कर दिए? हाँ, पूरा गांव पर हमला, गली गली में घुस करके। तो गली गली में घुस? हाँ, गली गली में घुस के उधर से आए, इधर से वो आए, गली गली में। और बोलने पर जो बोलता था उसी को मारना शुरू कर दिए। तो ये पूरा कह लीजिए कि जातिवादी हमला था, ये ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी थी या फिर कोई झगड़ा, पुराना झगड़ा था। उनको ये लगा भाई चमारों का गांव है, कैसे हमारा, हमको रोक दिए, कैसे टोक दिए, चमारों करके कैसे बोल दिए। और वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि भाई चमार क्या कर लेगा हमारा। और इस कॉन्फिडेंस के, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इसके पहले मैं आपको वीडियो में बताया था, और ये कॉन्फिडेंस वहीं से आया है, शासन सत्ता पूरी तरीके से दलितों को रौंदने में सहयोग कर रही है गुंडों माफियाओं का। साथियों, 1 अगस्त को हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर पर जुटेंगे। जिन जो मृतक राजकिशोर हैं उनके लिए 20 लाख रुपए का मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही वो भूमिहीन है, कोई ज़मीन नहीं उनके पास, तो 3 एकड़ ज़मीन की भी हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि उनका एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, सब पढ़ लिख रहे हैं। वही एक कमाने वाले थे, जो उन्हीं के जो है कमाने से घर का खर्चा चलता था, तो उनके लिए मांग करेंगे हम लोग। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि 1 तारीख को आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर सुबह 10 बजे पहुँचने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।